जितना भी है गाड़ी में भी अच्छा दिख रहा है। सो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अमन सिंह। तो मुझे पता है आजकल वीडियोस कम बना रहा हूँ मैं, बट द रीज़न इज मैं काफ़ी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ और मेनली आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी। एक्चुअली एक घर देख रहा हूँ खुद के लिए, ठीक है, बिकॉज आपको पता है एक बहुत बड़ा फैसला होता है घर का, बहुत टाइम लगता है उसको ना, बंदा अपनी लाइफ की इन्वेस्टमेंट करता है, लोन लेता है, ये सब चीज़ें करता है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग टाइम, दैट्स वाई आई एम बिट बिजी। और चलो ये सब बातें थी, और आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हाउ इफ़ यू रियली वांट टू रीच योर गोल्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कैरी योर मील्स, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ चंडीगढ़ साइड में, फ़िलहाल जीरकपुर में हूँ। तो सुबह निकला हुआ घर से ब्रेकफास्ट करके, अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 4 PM। सो आई टुक माई लंच विद मी, बिकॉज बाहर से खाऊँगा तो ज़्यादा जंक मिलेगा, एट द सेम टाइम कहाँ ढूंढता फिरूँगा अच्छा, और एट द सेम टाइम प्रोटीन भी नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो घर से मैं क्या लेके आया, प्योर वेजिटेरियन मील बना के लेके आया। देखो ब्रेड है, इसके अंदर क्या है, जस्ट आपको एक मील आइडिया दे रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। इसमें है चीज़ स्लाइस, चीज़ स्लाइस के अंदर मैंने सॉसेस डाल रखी है, एक केचप डाल रखी है, एक स्वीट अनियन सॉस डाल रखी है, काफ़ी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। चाहे गर्म नहीं है लेकिन जो भूख लगी होती है ये भी अच्छा लगता है, मतलब नखरे नहीं करता है, ठीक है। इट्स बेटर देन ईटिंग क्रैप फ्रॉम आउटसाइड, अगर जंक मिल रहा है तो। मैं चाहता हूँ फैट लॉस करना थोड़ा सा, तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी मील्स को। ये तो एक सैंडविच हो गया, एंड सेकेंड इज दिस सैंडविच, लेट मी शो यू। इसमें है, इसमें मैंने न्यूट्री फिल कर रखी है, देखो दिख रहा है, जो न्यूट्री का चूरा होता है वो बना के बॉयल करके सब्जी जो होती है वो इसमें फिल कर दिए, सैंडविच टाइप बन गया है। ये भी टेस्टी है। तो अब इस मील में मुझे कार्ब्स भी मिल गए और फैट भी मिल गया, ठीक है, सोयाबीन से थोड़ा प्रोटीन मिल गया, लेकिन ये प्रोटीन कम है, मुझे चाहिए ज़्यादा, ठीक है। इसमें सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन होगा टोटल इन दोनों सैंडविच में मिला के, बट आई वांट अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो आई कैरी दिस, घर से वर्क आया था, 250 ml पानी है इसमें, इसके साथ ही वे की स्कूप, डेढ़ स्कूप इसमें बेसिकली वे है, ठीक है। तो एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील बन गई है, जिसमें बॉडी बिल्डिंग टाइप बन गई है, इसमें कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं और प्रोटीन भी है। देखो मैं माई प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको पता है ओरिजिनल होता है, बाहर से आता है और अच्छी कंपनी है, तो जरूरी नहीं आपको भी ये करना, आप और करते हो, लेकिन मेक श्योर इट्स जेन्युइन। लेकिन ये है बर्थडे केक फ्लेवर। तो बेसिकली आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि इससे आपका पेट भर जाता है ये सब कार्ब्स खा के, ठीक है। और प्रोटीन बिकॉज यू नीड दैट फॉर योर मसल्स रिपेयर, और एक फुलफिलमेंट हो जाती है। सो ऐसे ही आप, जस्ट आपको एक मील आइडिया दे रहा हूँ, जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ये सब चीज़ें लेके आ सकते हैं। ऐसे ही साथ में एक बोतल रखो पानी की, और प्रोटीन के लिए डब्बी रखो एक, इतना बड़ा जार लेके घूमने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्रोटीन का छोटी छोटी डब्बी रखो, ऐसी डब्बी आपको मिल जाएंगी मार्केट से, ठीक है। और एंजॉय योर मील विद प्रोटीन। अब ये पी के मेरे रात वाले वर्कआउट का मुझे रिपेयर भी मिल रही है, ग्रोथ भी होएगी। एट द सेम टाइम 4 बजे के करीब मैं ये खा रहा हूँ, तो मैं ये खा के अगर 7 बजे घर पहुँचता हूँ, 8 बजे पहुँचता हूँ, सीधा वर्कआउट भी कर सकता हूँ, ठीक है। दिस विल हेल्प मी। अगर यही मैंने जंक खाया होता तो घर जाके मैं कुछ और ढूंढता। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज इफ़ यू हैव सम गोल्स, चाहे वो मसल बिल्डिंग का हो, चाहे फैट लॉस का हो, मील्स कैरी करनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इस वीडियो से एक बहुत अच्छी बात ये भी निकल के आती है कि जो लोग बार बार कहते रहते हैं सप्लीमेंट के बिना बॉडी बन जाएगी, देखो वे प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो फूड की कैटेगरी में मानने लगे हैं इसको लोग, इतना असेंशियल सा बन गया है, बिकॉज
अच्छा आपको खाना है तो यू कैन कैरी इट अराउंड। ये मैंने 30 ग्राम अगर वे प्रोटीन लिया, इसमें 8 एग वाइट्स के, मतलब 10 एग वाइट्स के बराबर की शक्ति है प्रोटीन है, ठीक है, या 5 होल एग्स के बराबर का इसमें प्रोटीन है। सो इसको ऐसे मत लिया करो कि मैंने तो मुझे कोई इनाम मिल जाएगा अगर मैंने वे प्रोटीन नहीं लिया तो, कुछ ऐसी तरह की साइकोलॉजी के बंदे होते हैं, ठीक है, वो मत करो। थिंक ऑफ इट एज अ कन्वीनियंट गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट्स इट। अब मैं कहाँ यहाँ पे बाहर आया हूँ गाड़ी लेके, इधर उधर कहाँ रेस्टोरेंट ढूंढूंगा। और पहली बात, प्रोटीन वाली मील्स हमेशा रेस्टोरेंट में बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, महंगी होती हैं, कहाँ ढूंढूंगा, मिलेगा नहीं, मुझे पता है कहाँ मिलता है। तो दैट्स हाउ इट मेक्स योर लाइफ ईजी। तो अभी भी जो लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि मैं तो प्रोटीन के बिना ही आपकी लाइफ ईजी करने के लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। नहीं पीना है तो मत पियो, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये सैंडविच खा लेता इससे भी भूख मिट जाती, लेकिन दिन का प्रोटीन पूरा नहीं होता। सब ऑप्टिमल अगर वर्कआउट करता इसके बाद तो शायद वो रिकवर ना हो पाता, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर तो सॉलिड फूड कैरी कर सकते हो साथ में, अगर आपके पास इतना है कि आप चिकन भी बना के साथ में लेके आओ या कोई और आइटम लेके आओ प्रोटीन वाली, तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो इट्स फाइन, राइट। होप यू गाइस मिस मी, नहीं मिस करते, वही देखते हो यूट्यूब पे गाली गलौज। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।